हेलो गाइस, मेरा एक सवाल है आप सभी से, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। क्या करें खुश रहने के लिए, कैसे खुश रहा जा सकता है, क्या खुश रहने के लिए कोई वजह ढूंढनी जरूरी है? अब भाई कई लोग ये कहेंगे कि भाई खुश तब रहा जा सकता है जब उनकी लाइफ के अंदर उनको फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाए, यानी कि उनके पास इतने पैसे आ जाए कि रिटायरमेंट के बाद वो अपनी जिंदगी में फुल मजे कर सकें, एकदम लैविश लाइफ वो रिटायरमेंट के बाद भी जिए, तो उनको खुशियां मिलेंगी। और कुछ लोग खुशियां ढूंढते हैं मटेरियलिस्टिक, यानी कि कुछ लोग को ये लगेगा कि भाई अच्छी बड़ी गाड़ी मिल जाए तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई एक बड़ा सा घर मिल जाए ना तो बस सब कुछ मिल जाएगा, लाइफ में ढेर सारी खुशियां आ जाएंगी। कुछ लोग कहेंगे कि भाई एक लैविश लाइफ हम जिए, सारे ऐशो आराम हो चारों तरफ हमारे, तो हम खुश हो जाएंगे। और कुछ कहेंगे कि भाई समाज सोसाइटी के अंदर एक बड़ी पोजीशन मिल जाए तो हम खुश होंगे। कुछ कहेंगे ऑफिस के अंदर एक बड़ा प्रमोशन मिल जाए तो हम खुश होंगे। जितने ज्यादा लोग उनके लिए उतनी ही खुशियों की अलग अलग वजह। पर ये इतनी वजह के अंदर जो लोग खुशियां ढूंढ रहे हैं, जरा एक क्षण के लिए सोचो, क्या ये सारी खुशियां परमानेंट हो सकती है? हरगिज़ नहीं। ये सारी खुशियां जो आप ढूंढ रहे हैं टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं हो सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो जरा एक बात सोचो कि आप जब रोज सुबह उठते हैं, when you wake up every day, आप अपने आप को जीवित पाते हैं, जिंदा पाते हैं, alive, आप अपने परिवार के सदस्यों को जीवित पाते हैं, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन या जो भी आपके नियर डियर हैं, इन सबको आप जीवित पाते हैं, सुरक्षित पाते हैं और देखते हैं कि वो सब स्वस्थ हैं। क्या जीवन में इससे बड़ी कोई खुशी, इससे बड़ी कोई हैप्पीनेस हो सकती है? अब इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचो। इस कोरोना काल में ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनों को पूरी तरीके से खो दिया। अब अगर उन लोगों से ये कहें कि भाई आप अपने मटेरियलिस्टिक, जो आपके पास गाड़ियां हैं, संपत्ति है, आपके बड़े घर है, इन सब को देने के बाद भी क्या उनके अपने लौट कर आएंगे, क्या वो दोबारा जीवित होंगे? हरगिज नहीं। हर दिन अपनी जिंदगी को ये सोचकर जियो कि आज का ही दिन मिला है बॉस, आज का ही दिन है, जो करना है आज करना है, अपने को सिर्फ आज ही का दिन मिला है। वो सब कुछ कर जाओगे जब आप ये सोचोगे कि सिर्फ आज का दिन मिला है जो आपने आज तक नहीं किया। वो हर काम करोगे जिसमें आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा, यही है सबसे बड़ी खुशी। रोज उठ रहे हो, अपने आप को जीवित देख रहे हो, अपने माता पिता को, उन लोग को जीवित देख रहे हो जो आपके अपने हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। और किसी चीज में खुशियां नहीं मिल सकती। बाकी सारी जो खुशियां हैं वो टेम्पररी है, और अपनों को जीवित पाना, खुद को जीवित पाना, ये जो खुशियां है ना ये परमानेंट है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, और भी अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, और भी अच्छा लगा है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से आपने सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।